अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के यूट्यूब चैनल से राना उस्मान आज हाजिर है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज आप लोगों के साथ करंट मार्केट की सिचुएशन को एक्सप्लेन करूंगा और आई एम वेरी ग्लैड, वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जो लोग हमें पसंद करते हैं या जो लोग हमें पसंद नहीं भी करते, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। आज की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। मार्केट की सिचुएशन पर बात करने जा रहे हैं। आजकल मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं या जितने भी स्पेसिफिक जो हॉट प्रीसेंट्स चल रहे थे प्रीवियस दो तीन मंथ से, 125 यार्ड के हों या 250-500 के हों, सभी प्रीसेंट्स बहरिया टाउन में जहां पर भी आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, चाहे वो विलाज की शक्ल में हो या प्लॉट्स की शक्ल में, आज की डेट में बहरिया की मार्केट जो है वो बिल्कुल स्लो डाउन चल रही है। बिल्कुल कह लें कि मार्केट काफ़ी स्लो हो चुकी है और इस वक्त मार्केट में कोई भी इतना ज़्यादा बायर मौजूद नहीं है। जो भी चीज़ें हद से ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी थी, एक्सपेंसेस हो चुकी थी, आज उन प्रॉपर्टी पर जो है डिक्रीजिंग वैल्यू चल रही है थोड़ी सी। बात करूंगा 125 यार्ड की और 500 गज़ में, मतलब जो हॉट प्रीसेंट्स थे जैसे 10B 11B हैं या ओवरऑल जहां पर भी मार्केट गर्म थी या आर्टिफिशली जहाँ पर रेट्स जो है वो इतने ज़्यादा जंप कर गए, चाहे वो 500 गज़ के हों, लेकिन आज ये सिचुएशन है, इस वक्त ये सिचुएशन है कि प्रीवियस वन वीक से कि कोई भी सेलिंग कोई भी बाइंग नहीं हो रही, जस्ट मार्केट में अवेलेबल हैं तो सिर्फ सेलर्स। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि इस वक्त मार्केट की जो सिचुएशन है वो बाइंग की है। अगर आप किसी भी प्रीसेंट में कोई भी चीज़ आज की डेट में बाय करेंगे तो आपको इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं वो रीज़नेबल रेट्स पर मिलेंगी। कोई भी प्रीसेंट आप उठा लें, कहीं पर भी कोई भी रेजिडेंशियल चीज़ आप बाय करेंगे तो 2-3, 4 लाख 5 लाख आपको कम प्राइस में चीज़ें मिल जाएंगी इंशाल्लाह मार्केट में। जिस तरह ग्रीन्स की वैल्यू थी, आप लोगों को पता है प्रीवियस एक मंथ से ग्रीन में काफ़ी जंप देखने को मिला था, लेकिन आज की डेट में ग्रीन जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी नीचे आ चुकी है। जो जनरल फाइल्स हैं वो 5 लाख तक भी मार्केट में अवेलेबल हैं और कैटेगरी जो है वो 8, 8.5, 9 लाख तक अवेलेबल हैं। आपको पता है 10 लाख से कैटेगरी इंक्रीज हो चुकी थी और जनरल जो है वो 8 लाख तक चली गई थी। और आज की डेट में आपके लिए बाइंग करना बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये एक तो साल का आखिरी महीना है और ये साल अपने इख्तिताम को मतलब सिर्फ 10 दिन इसे रह चुके हैं, न्यू ईयर को सिर्फ 9 दिन बाकी हैं। आपको पता है कि जब भी दिसंबर का महीना आता है बहरिया टाउन में बाइंग काफ़ी कम हो जाती है, सेलर ज़्यादा हो जाते हैं और रेट्स में चूँकि कमी भी देखने को मिलती है हर साल की तरह। और इस साल भी आप लोग जो लोग बाइंग करना चाहते हैं या अभी डिले कर रहे हैं, मेरा उनको ये मशवरा है कि आप बाइंग में डिले ना करें, क्योंकि जनवरी शुरू होने के फौरन बाद विद इन वन वीक या विद इन टू वीक जनवरी के मिड में जो रेट्स हैं वो आपको हाई से हाई मिलेंगे, क्योंकि जब भी नया साल शुरू होता है बहरिया में तो चीज़ों को इंक्रीमेंट लगना शुरू हो जाता है। अभी ये लास्ट मंथ चल रहा है, इस मंथ में आपको बाइंग करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, उसमें आपको बाइंग करनी चाहिए। यहाँ पर मिसाल दूंगा आपको मैं, बड़े प्रीसेंट्स जो हैं वो 500 गज़ के शुरू वाले, अगर मैं बात करूँ प्रीसेंट 4 हिल्स की, यहाँ पर आपको प्लॉट जो हैं वो काफ़ी कम प्राइजेज़ में अच्छे रेट्स पर मिल सकते हैं। जो लोग 500 गज़ में इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर बाइंग करना चाह रहे थे काफ़ी देर से और ये सोच रहे थे कि यहाँ पर रेट्स काफ़ी हो चुके हैं, तो उनको मेरा ये पैगाम है, ये मैसेज है कि आप लोग यहाँ पर इस टाइम मार्केट में बाइंग कर सकते हैं। चीज़ें जो हैं वो अच्छे और रीज़नेबल रेट्स पर अवेलेबल है मार्केट में, 4 में और हिल्स में आपको अच्छे प्लॉट रीजनेबल रेट्स पर मिल सकते हैं। जिस तरह अगर एक माह पहले की अगर मैं बात करूं तो यहां पर चीज़ों के रेट जो थे वो काफ़ी अच्छे खासे इंक्रीज हो चुके थे, आज की डेट में आपको 10 से 15 लाख रुपया मतलब कम प्राइस में यहां पर प्लॉट्स मिल सकते हैं अगर आप बाइंग करना चाहें तो। कोई भी रेजिडेंशियल विलाज या अपार्टमेंट आप बाय करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ओवरऑल 200 गज़ के जितने भी बहरिया टाउन में विलाज हैं उनकी कीमतों में भी अच्छी खासी कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि बायर मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है इस वक्त। लोग जो हैं, जो सेलर्स हैं, वो अपनी चीज़ों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग अगर बाइंग करना चाहें तो आप
इस मंथ में कर सकते हैं, इसी वीक में कर सकते हैं, क्योंकि न्यू ईयर स्टार्ट होते ही साथ ही प्रॉपर्टीज़ को जंप लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक अच्छी और गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने काफ़ी अरसे से बाइंग नहीं की वो अभी बाइंग करेंगे तो इंशाल्लाह उनकी प्रॉपर्टी को विद इन वन मंथ अच्छा खासा ऑन मिल सकता है, अच्छा खासा जंप लग सकता है। और इसके अलावा कोई भी किसी किस्म की भी प्रॉपर्टी अवेल करने के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम वक्तन फवक्तन हर किस्म की इंफॉर्मेशन, चाहे वो बहरिया की रेलिवेंट हो, बहरिया की प्रॉपर्टी के रेलिवेंट हो, या कोई भी यहाँ पर यहाँ से हट के DHA की कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो भी हम आपको अपनी मल्टीपल वीडियोस में देते रहते हैं। DHA की मार्केट भी इस वक्त बिल्कुल स्लो है जिस तरह बहरिया की है, और आप लोगों को पता है कि बहरिया में तो वैसे भी बायर बहुत ज़्यादा था, DHA की नस्बत बहरिया में ज़्यादा बाइंग हो रही थी। और आज की अगर मैं बात करूं तो दोनों टाउन्स में, DHA में और बहरिया टाउन में मार्केट काफ़ी स्लो हो चुकी है और बायर बहुत कम है मार्केट में। इस वक्त अच्छा टाइम है बाइंग करने का, आप बाइंग कर सकते हैं। हमारे नंबर्स मेंशन होंगे, +92324221970 मेरा नंबर है, कोई भी चीज़ आप बाय करना चाहें या सेल करना चाहें आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अपना फीडबैक हमें देते रहा करें कमेंट सेक्शन में। अब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।